जो फर्स्ट बेट आ रही है वो आ रही है अलवी यादव की साइड से। आपको पता होगा अलवी यादव और रजत दलाल अपनी वीडियो में ये बोल रहे थे कि हम ना बॉम्बे में आए हुए, तू बोल रहा था ना कि तू हमसे सॉरी बुलवाएगा, और अलवी यादव और रजत दलाल ने बताया कि आ हमसे सॉरी बुलवा ले। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो, क्योंकि मैं मुंबई में खड़ा हूँ एजाज भाई की नगरी में। उनने बोला था मुंबई में मेरे से सॉरी बुलवाएंगे, कटारी से सॉरी बुलवाएंगे, जितने भी यूट्यूबर है सबसे सॉरी बुलवाएंगे। दिल्ली में मिले दिल्ली में पकड़ेंगे हमको, मुंबई में पकड़ेंगे, और कहां पकड़ेंगे, हरियाणा में पकड़ेंगे, हरियाणा में, क्योंकि भाई के बहुत सारे लोग हैं वहां पे, हमें सॉरी बुलवाएंगे। भाई पकड़ ले, भाई पकड़ लो, बहुत रीच आउट करने का ट्राई करा है, ये शेयर कर रहे थे। भाई पहले तो ये बताओ, शेर घर पे आया था या घर से कोई जंगल में गया था? इसी से रेडिट ने कहा, जहाज खान की तरफ से रिप्लाई भी आ गया है। वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि तुम ना बंद कमरे के अंदर वीडियो बना रहे हो, यहाँ पे बॉम्बे कहाँ पे है, और उन्होंने ये बताया कि टेंशन मत लो मैं तुमसे सॉरी बुलवाऊंगा। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। वो दो जोकर लोगों ने वीडियो बनाई है कि एजाज भाई आपने हमको धमकी दी थी, हम लोग बम्बई आए हुए, बंद कमरे के अंदर बनाई हुई है, उसमें बम्बई किधर है और एड्रेस किधर है, अबे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और मिलूंगा एल्विस तेरे से आके, तू जहाँ भी रहेगा उधर आऊंगा और अकेला आके मिलूंगा तेरे से, और तेरे से भी दलाल, अकेला वन मैन शो, कोई आर्मी नहीं रे मेरी, वन मैन आर्मी हूँ मैं, भेद लोकेशन किधर है तू। और गाइस यार अलवी यादव ने गाइस टीम 07 वालों को रिप्लाई भी दिया है। आपको बताओ गाइस फैज ब्लो के चैनल से एक वीडियो आउट हुई थी जहाँ पे वो अलवी यादव को ट्रोल कर रहे थे, तो इसी रिलेटेड गाइस उन्होंने बताया कि जो फैज ब्लो है ना वो मेरा पर्सनल प्यार है, वो मेरी जान है, और उन्हें टीम 07 को ट्रोल करके उनके ऊपर हंसते हुए भी दिखे। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। दूसरा कौन था, फैज बलोच। देखो फैज बलोच से मेरा पर्सनल प्यार है, समझ लो प्यार है वो, तो फैज बलोच के लिए कुछ नहीं, जाओ फैज बलोच भाई तू निकल जा स्क्रीन के आगे, मत देख, अब मत देख, देख रहा भैया तो टेढ़ी नजर से देख। और कौन कौन है 307 में? 7 तो नहीं है फैजू सड्डो, फैज बलोच, हसनैन, अदनान, ये तो 5 है, 7 क्या है फिर, दो जने कहां गए, बलि दे मुझे तो आज पता लगी 307 में, ये तो 05 होनी थी। जो नेक्स्ट डिबेट आ रही है वो आ रही है UKG7 राइडर की साइड से। UKG7 राइडर ने ये बताया कि मैं ना अपनी निंजा S2 को परमानेंटली इंपोर्ट करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। मेजर डिसीजन ये हो रहा है, जिन लोगों को पता है उन्हें पता है कि हम लोग H2 इंपोर्ट करा रहे हैं परमानेंट इन इंडिया। कौन से देश से करवानी है बताओ? पहला ऑप्शन इज हांगकांग, विदेश, पापा विदेश से तो करवा रहे, बट ये बताओ दो ऑप्शन में से कौन सा, पहला हांगकांग दूसरा थाईलैंड? अरे यार सीधा थाईलैंड बोल, इधर उधर इतना तो हमें भी पता है ना कि हांगकांग में कोई वो नहीं बनती। क्या बातें कर रहे हो पापा, हांगकांग इंटरनेशनली H2 मिलती है, दो जगह से करवा सकते हैं। हांगकांग दूर है ना, थाईलैंड पास है, थाईलैंड की फ्लाइटें महंगी हो रखी हैं। क्या आपको लगता है उनको ना हांगकांग से करवानी चाहिए या थाईलैंड से, कमेंट करके जरूर बताना। जो नेक्स्ट बेट आ रही है वो आ रही है पायल मलिक की साइड से। आपको पता होगा इस बिग बॉस से ना क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि अरमान मलिक को अपनी सेकंड वाइफ के साथ ना बेड के ऊपर काफी ज्यादा रोमांस कर रहा था। तो इसी से पायल मलिक ने गाइस अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ रिएक्ट किया है। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। बिग बॉस हाउस से ना एक वीडियो जो है अरमान की रुकृति का की बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। जब वो वीडियो मैंने देखी ना, मैंने एक मिनट में देख लिया कि वो वीडियो जो है एडिटेड है। अगर आप लोगों तक भी वो वीडियो पहुंची है तो ध्यान से उसमें देखना, बिग बॉस हाउस का चप्पा चप्पा पता है कहाँ क्या है क्या नहीं। तो जो बेड दिखाया गया, बेड के ऊपर दो लैंप दिखाए गए हैं ऐसे करके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर लैंप नहीं है, ऊपर सिर्फ एक कमरा है और कैमरा है और लाइट है, कोई लैंप नहीं है, लैंप जो है आपके बेड के साथ में इधर है। तो नेक्स्ट बेट आ रही है, राजा ऋषि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, पैरी पे। राजा ऋषि ने कहा कि मेरा ना जानू सर के साथ कुछ सीरियस इश्यू हो गया, तो मैं इसलिए ना जानू सर के पास जा रहा हूँ उनको सॉरी बोलने के लिए, मैं उसको मनाने के लिए जा रहा हूँ स्पेशल चंडीगढ़ से जम्मू। तो सबसे पहले आप जोड़ दी क्लिप भी देख लो। और भाई मेरा जो भाई है ना भाई जानू, तो भाई जानू मेरे से हो चुका है नाराज, क्योंकि भाई क्या ही बताऊँ आपको क्या सीन हुआ था, तो कुछ हुआ तो उसको मनाने के लिए भी जम्मू जाना पड़ेगा। जानू मेरे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुआ है, और मेरी भी गलती है किसी चीज़ के लिए, बट चलो यार अभी सच में बहुत मजबूरी है, अगर ये मेरा ब्लॉग भी मेरा भाई जानू देख रहा तो भाई उसको दिल से सॉरी। और राजा ऋषि ने विवेक भाई के ऊपर रिएक्ट किया। आपको पता है एक ना राइडर का एक्सीडेंट हुआ था जिनके पास ना डुगाटी थी, तो उनके बारे में ना राजा ऋषि साहब ने कुछ बात किया। तो सबसे पहले आप छोटी क्लिप भी देख लो। और हमारे इंडिया में मैक्सिमम एक्सीडेंट ना लोगों की वजह से होते हैं यार। अभी रिसेंटली भाई चंडीगढ़ में एक राइडर थे विवेक भाई करके, पता है मेरे को इतना, तो भाई उनकी भी ना डुगाटी पे ना मतलब एक्सीडेंट हुआ, तो हमने भाई क्लिप वगैरह तो देखी थी। चलो ठीक है भाई वो तेज आ रहे थे, मानता हूँ तेज आ रहे थे, चलो कोई बात नहीं, बट एक स्कूटी वाला बंदा था उसने भाई
मतलब ऐसे स्कूटी रखी है, कम से कम अगर आपको यहाँ पे टर्न हो ना, आप एक बार यहाँ पे देखो, उन्होंने सीधा स्कूटी ऐसे कर दी। तो भाई जो बंदा पीछे से तेज आ रहा होगा भाई, उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और सुपर बाइक अगर आप तेज चला रहे हो तो भाई, अगर रोड बिल्कुल खाली, अगर रोड खाली की अचानक से स्कूटी आ जाएगी तो भाई सुपर बाइक भी क्या करेगी। तो मैं उनसे कभी मिला तो नहीं था, बट एक बार सुना जरूर था तो भाई बुरा लगा। तो बस इसलिए मैं यही चीज बोलता हूँ कि हमारे इंडिया में एक्सीडेंट हमेशा ना लोगों की वजह से बहुत ज्यादा होते हैं। ये नेक्स्ट बिट आ रही है वो, ये जोन इब्राहिम की साइड से। आपको पता है जोन इब्राहिम जो है वो ना अपने फैंस को ना अभी कभी इग्नोर कर देते हैं। होता क्या, वो ना अनंत अंबानी की ना वेडिंग में जाते हैं और वहाँ पर अनंत अंबानी जो होते हैं वो ना जोन इब्राहिम को इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से ना लोग उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। क्या पता चला कि लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। जो नेक्स्ट वेट आ रही है वो आ रही है आमिर भाई की साइड से। इंस्टाग्राम पे ना गाइस एक अकाउंट है HSB ऑफिशियल करके, वहाँ पे गाइस मैंने एक BMW देखी जहाँ पे पूरी गाइस आमिर भाई की कॉपी की हुई थी। ये आपको सामने BMW दिख रही होगी और ये आपको आमिर भाई की BMW दिख रही होगी। तो बाकी आपके क्या कहना है इस बारे में कॉमेंट करके जरूर बताना। जो नेक्स्ट वेट आ रही है वो आ रही है जॉनू जी की साइड से। जॉनू जी ने एजाज खान को रिप्लाई दिया है। क्या? हाँ, और उन्होंने ये कहा कि अगर तेरे को कीड़ा ना तो जम्मू में आ, मैं तेरे को कंजरी बना के कपड़े लगा के तेरे को कंजरी बना के बीच बैठा के ना कंजरी वाले काम कराऊंगा। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। मच्छर कीड़ा पता नहीं क्या है यार, जहाज खान वो आजकल भूत मच्छर देख रहा हूँ यार। मतलब बच्चों को टारगेट करता है भाई। एक तो वो कहता है जंगल का शेर कुछ बोलता सुन के बोला कर, छोटे छोटे बच्चे भी उनको टारगेट करते हैं। ब्रो भाई गेम चाहिए आपको, ऐसी फेमस करेंगे मेरे को। इतना कीड़ा जम्मू आना तेरे एकदम पूरा ठंडा के भेजेंगे, ठीक है? ऐसे तेरे बाल कुल भाई कंजरी बना के भाई चौक खड़ा करना चाहिए। अब सही बंदा टकराना जहाज खान को। जानू भाई हम आपके साथ है, जानू भाई जिंदाबाद। पहले ये बेशर्म ज्यादा रिप्लाई देता था, अब जॉनू सर ने रिप्लाई दिया ना, अब देखते हैं जहाज खान का रिप्लाई आता कि नहीं। अब मुझे पता है इसकी बोलती बंद होने वाली है क्योंकि जॉनू सर भैया ने इसके सारे कीड़े निकाल देंगे। जो नेक्स्ट बेटा आ रही है वो आ रही है आमिर भाई की साइड से। तो क्या आमिर भाई बिग बॉस में जाने वाले? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं आपको बता दूंगा इस दा खबर की तरफ से, ट्विटर से एक ट्वीट आउट होता है जहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि # आमिर माजिद। मेरे को लगता है कि आमिर भाई ना बिग बॉस में जाने वाले हैं। तो बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। भाई जब अगर आमिर भाई बिग बॉस में चले गए तो क्या होगा? तबाही हो जाएगी, तबाही। सिस्टम मिल जाएगा पूरा बिग बॉस का। जो नेक्स्ट बेटा आ रही है वो आ रही है न्योन मैन की साइड से। तो क्या न्योन मैन की गर्लफ्रेंड वड़ा पाव कर ला? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। न्योन मैन को तो काफी बंदे कमेंट करके ये बोल रहे थे कि न्योन मैन की जो गर्लफ्रेंड है ना वो वड़ा पाव कर ला। वहाँ पे गाइस न्योन मैन रिप्लाई करके ये लिखते है कि WTF। जो नेक्स्ट बेटा आ रही है वो आ रही है अलवी शादव के दोस्त अर्शिद की साइड से। वहाँ पे वो इजाज खान को रिप्लाई करते हुए ये बोलते कि हर कोई सॉरी नहीं बोलता लाडले, और नंबर बताइयो अपना रिचार्ज भी करवा दूंगा। नेक्स्ट बेटा आ रही है जीरत ब्लॉग की साइड से। जीरत ब्लॉग ने ना मानी कतरी को रिप्लाई किया और उन्होंने ये बोला किसी को रिप्लाई देके उसको फेम मत दो, भोंगने दो तो भोंगता है, साइड में आपको दिख रहा होगा। तो बाकी आपको क्या लगता है कि मानी कतरी ने ये बोलता कि अगर जीनत ब्लॉग ने मेरे को रिप्लाई दिया ना तो मैं इसको एक्सपोज कर दूंगा? अभी तक कोई भी एक्सपोज वीडियो नहीं आई। तो आपके क्या कहना है इस बारे में कॉमेंट करके जरूर बताना। बाकी तेरा क्या कहना है इस बारे में? मुझे लगता है अब आएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जीनत ब्लॉग का दबदबा है। जो नेक्स्ट बेट आ रही है वो आ रही है मोटो खबरी की साइड से। यार मोटो खबरी अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए हुए थे और वो आमिर भाई के बारे में ये बोल रहे थे कि आमिर भाई ना प्रोराइडर को छोड़ के भाग गए थे। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। कहते हैं यार देखो, अगर 100 में से 100 बंदे किसी बंदे को गलत बोल रहे हैं तो मतलब वो बंदा ही गलत होगा। यार तेरे को वो याद है जब प्रोराइडर को छोड़ के चला गया था? तब से मेरे दिल से उतर गया था भाई। वो थोड़ा क्या कह सकते हैं सेंसिटिव मैटर, बट सबको पता है कि सीन क्या हुआ था, बट नोबडी टॉक इतना ओपनली कि मतलब उधर क्या हुआ था। अब वो आमिर को ही पता होगा उधर क्या हुआ था, बाकी सब तो एजम्पशन है, लेकिन ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था। गलत है ना, छोड़ के तो नहीं आना चाहिए था। अब ये अपनी वीडियो में जाके बकवास कर रहे हैं कि मेरी लाइव क्यों उठाई, मेरी लाइव क्यों डाली अपने यूट्यूब चैनल पे? हम डालेंगे क्या कर लेगा तू तब गुंडी सा, एक दबा लगी वहां जाके मिलकर बकवास नहीं करना चाहता। नेक्स्ट में डाली हो रही अर्जुन ब्लॉग की साइड से। अर्जुन ब्लॉग से शायद से ना जो गिव अवे करते ना, जैसे बोलते हैं आप ये ले लो तो हमें फॉलो कर दो, आप ये जीत जाओगे, तो उनको ना ट्रोल करते दिखे। उनने क्या किया, लोग ना आजकल उनको फॉलो करते हैं जो ना उनको कुछ देते हैं, तो हमारे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। आजकल की पब्लिक भी ऐसी हो गई है भाई कि कुछ मिलेगा तो फॉलो करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना भाई? हम कुछ नहीं दे रहे क्योंकि हमसे कुछ नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे कि आपको ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं है भाई, हमसे फेक भी भाई कुछ भी नहीं है अपने पास।
तो जो अपने पास है हम उसी में खुश हैं, भगवान ने यहाँ पे रखा है, ठीक है। पर भाई हम कह रहे हैं जो भाई दिल से प्यार करता है भाई फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, रील्स वगैरह चेक करो। नेक्स्ट वेट आ रही है, वो आ रही है थारा भाई जोगिंदर की साइड से। थारा भाई जोगिंदर का एजाज खान के ऊपर काफी ज्यादा एंग्री दिखे। उन्होंने बताया कि एक बार तू आ चंडीगढ़ में, मैं तेरे को बताऊंगा। हरियाणा में बकवास करता है उधर तक वाले। तू एक बार हरियाणा में आ, मैं तेरे को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप भी देख लो। एल्विस एक बार ना इस एजाज खान की लोकेशन मांग मुंबई के अंदर। ये जाटू तो आ नहीं सकता लोकेशन पर, इस जाटू के पास जाना ही पड़ेगा। ये मुंबई का जाटू हरियाणा वाले से फालतू बोलेगा। और रजत अगर ये मिल जाए ना, इसकी गुद्दी पकड़ के दबा दिए हाथ के नीचे बस, और इसको बता दिए कि कितनी पावर होती है। एक बार जहां से पकड़ लेते ना हरियाणा वाले, छुड़वा नहीं सकते। अरे थारा भाई जोगिंदर क्या कर रहा है, बार बार बातें कर रहा है और अपनी ऐनक बता रहा है ऐसे, जैसे कि ज्यादा इसके पास निकाली ऐनक। एक लाख की ऐनक ले ली, ज्यादा शो ऑफ करता है। एक दबाव लगी बहुत जगह मिल गया, ज्यादा बकवास नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना मेरे सामने। आज की अपडेट यहीं तक थी, वीडियो देखते थे यहाँ तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी आप ये कॉमेंट करके जरूर बताना की आप किसके फैन हो। मैं भी इसके आर्मी का कट्टर वाला फैन हूँ, और मैं भी इसके आर्मी को दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। बाकी गाइस हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट्स में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। लव यू।